नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका द लवली पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज स्टूडियो हम बात करेंगे कि जो ड्राइविंग लाइसेंस का स्लॉट बुकिंग कर रहे हैं तो उसमें एक तो कोई कोई मोबाइल से बुक कर रहा है, उसमें कंफर्म टू स्लॉट बुक के ऑप्शन पर क्लिक नहीं हो रहा है। किसी किसी का नेक्स्ट 30 डे, नेक्स्ट 60 डे, नेक्स्ट 90 डे, नेक्स्ट 52 डे, 51 डे, 50 डे, ऐसे कुछ करके एरर आ रहा है। कहने का मतलब है कि उसका एक स्लॉट बुकिंग जो होता है वो 100% बुक नहीं हो पा रहा है। तो आज की वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में बताएंगे और 100% आपको स्लॉट बुकिंग का सॉल्यूशन आज की वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लॉट बुकिंग का प्रॉब्लम आता क्यों है। स्लॉट बुकिंग में जो कंफर्म टू स्लॉट बुक पे जो मोबाइल में क्लिक नहीं हो रहा है, इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने देंगे एंड आपको नेक्स्ट डे जो एरर आ रहा है उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम है स्लॉट बुकिंग रिलेटेड पूरा का पूरा आज के वीडियो में कंफर्म करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन घंटी सिंपल से ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि अदरवाइज हम कोई भी नई या फिर कोई न्यू अपडेट की वीडियो डालते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले आ सकेगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस हमारे चैनल पे इन फ्यूचर आपको मिलती रहेंगी, जिससे आपको अच्छा खासा नॉलेज भी होता रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड, अदरवाइज साइबर कैफे रिलेटेड। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब कर लेते हैं हम स्लॉट बुकिंग की बात। स्लॉट बुकिंग के लिए सबसे पहले आपको सारथी परिवहन का जो वेबसाइट होता है, इसको पहले स्लॉट बुकिंग का पूरा सिस्टम समझना होता है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। लर्निंग लाइसेंस बनने के 30 दिन बाद, जैसे सपोज आपका लर्निंग लाइसेंस 1 तारीख को बन गया तो जो अगले महीने की 1 तारीख आएगी उसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 6 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया या फिर आवेदन कर दिया स्लॉट बुकिंग नहीं किया तो आपका जो लर्निंग होता है वो एक्सपायर हो जाता है, उसके लिए आपको लर्निंग रिन्यू करना होता है। तो आपको सबसे पहले लर्निंग बनने के तुरंत 1 महीने बाद DL के लिए यहाँ से अप्लाई करना है एंड आपको उसके बाद आपको क्या करना है, उसका स्लॉट बुकिंग करना है। स्लॉट बुकिंग करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना है आपको, अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे जाने के बाद, अब देखो अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, एंड आपको जो कंफर्म टू स्लॉट बुकिंग वाला जो सिस्टम मैंने आपको बता रहा हूँ उसको आप मोजिला ब्राउजर अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो मोजिला ब्राउजर ओपन कर लीजिए। अदरवाइज आपको क्या करना है कि आपको अपना लैपटॉप वगैरह या फिर सिस्टम से करना है एंड आपको मोजिला में करेंगे तो मोबाइल से भी हो जाएगा ईजिली, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने के बाद स्लॉट इंक्वायरी में जाने के बाद DL स्लॉट इंक्वायरी एक बार कर लेना है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस आपके RTO में किस टाइमिंग पे बुक हो रहा है। सपोज आपका RTO पे 50 डेट एक दिन में ओपन हो रहा है लेकिन 50 डेटों को कम से कम 100 या 200 बंदा लगाने वाला है, तो 200 बंदे स्लॉट बुकिंग कर रहे हैं लेकिन स्लॉट एक ओनली जो है 50 ही है, तो 50 में आपको कैसे मिलेगा। एक तरीके से जैसे मान लो कि दौड़ लगाई जा रही है, जो सबसे पहले पहुंच जाएगा वही दौड़ में पास हो जाएगा। उसी तरीके से स्लॉट बुकिंग के लिए आप भी स्लॉट लगाएंगे और भी काफ़ी सारे जो पब्लिक में बंदे हैं वो भी स्लॉट लगाएंगे, लेकिन जिसका नेट अच्छा रहेगा, जिसकी स्पीड अच्छी आएगी और जो पूरा प्रोसीज साधारण मतलब पूरा प्रोसीज देखभाल के जो हम वीडियो में बता रहे हैं उस तरीके से करेगा तो उसका स्लॉट बुकिंग ईजिली हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे सारथी जो स्टेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। शॉर्ट में स्टेट आपको नहीं पता है आपका तो बगल में थोड़ा यहाँ पे राइट में आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा स्टेट का आपका नाम शो हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेट के बात करने के बाद आपको अगर आपका RTO का कोड नहीं पता अपना, या तो आपका जो बाइक चलता है बाइक के पीछे जो प्लेट पर नंबर लिखा हुआ है वो आपका RTO का कोड होता है, अगर आपको RTO का कोड नहीं पता तो बगल में यहाँ पे पूरा RTO का नाम भी मिल जाता है। सपोज डेमो के लिए हम कोई भी एक RTO को चूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने अभी मुजफ्फ़रनगर चूज़ करा तो मुजफ्फ़रनगर का जो कोड आ रहा है UP12। अब UP12 जो कोड आ रहा है इसमें आपको कैसे स्लॉट इंक्वायरी करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे RTO के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। RTO के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एनी COBS जो लिख रहा है यहाँ पे करना है स्लॉट टाइप। स्लॉट टाइप पे आपको क्या करना है, नॉर्मल कोटा पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नॉर्मल कोटा पे क्लिक करने के बाद आपको करना है कि प्रोशीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोशीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे पूरा ड्राइविंग लाइसेंस स्लॉट बुकिंग का प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो रेड क्रॉसिंग में आ रहा है, इसका मतलब ये सब छुट्टी वाली डेटें हैं। नीले कलर में इनका छुट्टी है, रेड वाली जो टोटल बुक हो रखी है स्लॉट, ठीक है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन आएंगे तो यहाँ पे ये खाली सीटें दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये स्लॉट बुकिंग हो जाएगा। स्लॉट बुकिंग किस टाइम पर होता है, देखो जैसे अभी आपके सामने मैं एक एप्लीकेशन आपके सामने खोल के दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास एक लर्निंग की एप्लीकेशन पड़ी है, ठीक है।
सेम प्रोसीजर लर्निंग की आपको टाइमिंग पता लग जाएगा क्योंकि किस टाइमिंग पे आपका आरटीओ का स्लॉट बुकिंग हो रहा है। सबसे पहले आपको अपना मतलब किसी भी टाइम पे एक बार यहाँ पे स्लॉट बुकिंग पे जो भी आपकी डेटा, जैसे मैंने अभी लर्निंग कर रहा हूँ, आप डीएल किए तो डीएल करिए, लर्निंग किए तो लर्निंग करिए, रिन्यूबल है तो रिन्यूबल पे करिए, ठीक है। कन्फर्म हो गया आपका, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम एप्लीकेशन नंबर अपना फिलअप कर देते हैं। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमने डाला डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे हमने जब एप्लीकेशन नंबर फिलअप करा आगे बढ़ाया तो प्रोसीड टू बुक पे यहाँ पे ये यह ऑप्शन खुल रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो ऑप्शन खुल रहा है देखो यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, आपके सामने यहाँ पे कैलेंडर भी आपके सामने ओपन हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे देखो कैलेंडर दिखा रहा है, नेक्स्ट 90 डे स्लॉट आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये एरर है, इसका मतलब है कि आपने जो स्लॉट बुकिंग कर रहे हैं नहीं, ये इसके टाइम पे नहीं हो रहा। इसके टाइमिंग पर अगर स्लॉट बुकिंग करना है तो मॉर्निंग की टाइम आपको एक बार क्लिक करना है, सुबह 5-6 बजे एक बार ट्राई करो, उसके बाद टाइमिंग शो हो जाएगा। टाइमिंग जब शो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका जो स्लॉट बुकिंग का टाइमिंग है वो आपको पता लग जाएगा, उसी टाइम पे आपको बुक करना है स्लॉट, इजीली आपका स्लॉट बुकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपना स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी सारा पसंद है, अगर वीडियो पसंद है आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, हमारी वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ यहाँ से रेड बटन का जो बटन आ रहा है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो अदरवाइज कोई भी वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो प्लीज़ जय हिंद, वंदे मातरम।